नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक घरामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग में। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं भोपाल आया हुआ था, तो आज हम सब मिलके सांची और उदयगिरी के जा रहे हैं। तो अभी मेरे साथ प्रीतीश भी है और ग्रेगरी भी है। और ये तो अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहा है करीबन। तो अभी अपन जाएंगे नाश्ता करेंगे। तो जो सांची स्तूप है ये यहाँ से करीबन 60-70 किलोमीटर है और उदयगिरी केव जो है वो वहाँ से 10 किलोमीटर है। तो अपन पहले सांची जाएंगे और फिर उदयगिरी, और अगर टाइम मिला तो एक रायसेन का पैलेस भी है तो वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो चलिए नाश्ता करने चलते हैं और फिर अपन आपसे दोबारा मिलते हैं। चलो बाय। अभी अपन आए हैं इंद्रपुरी और यहाँ पे अपन डोसा खाएंगे। यहाँ डोसा, बड़ा, इडली सब कुछ मिलता है। तो जब अपन कॉलेज में थे तब यहाँ आया करते थे, लगभग हर अल्टरनेट डे यहाँ पे नाश्ता करने आ जाते थे। तो चलिए आपको भी वीडियो दिखाता हूँ मैं, और मैं नाश्ता करता हूँ। अगर आप खाना वगैरह खा रहे हो तो आप भी अपने खाने को इन्जॉय करें। अभी अपन पहुंच गए हैं, यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर दूर है सांची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पीछे कि ये जो व्हाइट लाइन है ना, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये वर्ल्ड का मतलब नॉर्थेस्ट ऐसा पॉइंट है जहाँ सूरज की जो रोशनी होती है वो स्ट्रेट लाइन पे नीचे पड़ती है। तो अगर आपको नहीं पता कि कर्क रेखा या मकर रेखा क्या है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा कि जो पृथ्वी है इसमें, इसको तीन पार्ट में बांटा गया, एक सेंट्रल पार्ट है और एक ऊपर और एक नीचे का। तो जो इमेजिनरी लाइन पृथ्वी के ऊपर के पार्ट को और मिडिल पार्ट को अलग करती है तो वो है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सिमिलरली नीचे वाले के लिए मकर रेखा। तो ये जो व्हाइट लाइन मैंने आपको दिखाया ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ऐसा आप बहुत सारे स्टेट में देख सकते हो, क्योंकि कर्क रेखा पूरी गुजरेगी तो हर स्टेट में आपको ऐसा मिलेगा। इसीलिए इस जगह को मार्क करके रखा गया है, और कभी भी आप इस रास्ते पे आओ सांची जाने के लिए या विदिशा जाने के लिए तो वहां से 19 किलोमीटर पहले आप देख सकते हो, रोड के किनारे ही बना हुआ है। आप यहाँ के अपना पिक क्लिक करवा सकते हो जैसे आपकी इच्छा। तो चलिए आगे निकलते हैं और आपसे मिलते हैं सांची में। Thank you.
दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सांची स्तूप और ग्रेगरी मेरे साथ है, प्रीतीश बाकी लोगों के साथ भाग्य घूमते हुए। तो ग्रेगरी यहाँ पे बहुत बार आ चुका है पहले भी, मतलब तो इसीलिए इसको थोड़ा नॉलेज ज्यादा है मुझसे। तो आज यहाँ के बारे में ग्रेगरी बताएगा। तो ग्रेगरी जी बताइए, क्यों बनाया गया ये सब? ये सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। हाँ, ये 3rd century BC में बनाया था। ओके। और ये मेन 6 हमारे यहाँ पे स्तूपा से इंडिया में, इसमें से ये एक है। हाँ। ये नियरली सबसे पुरानों में से एक है। हाँ। क्योंकि बुद्धा के डेथ के 200 साल के अंदर ये बन गया था। ओके। जब बना उससे 150 साल बाद पुष्यमित्रा ने इसका डिस्ट्रक्शन कराया था, मतलब तोड़वाया था, तोड़ दिया था। कुछ होगा रिवेंज, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजियस ऐसा था कि उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म ज्यादा चलते थे। हाँ। तो उनके बीच में स्ट्रगल होता था पावर का। हाँ। उसके बाद उसी के बेटे ने, उसका बेटा था अग्निमित्र, उसने वापस से इसको बनवाया। ओके। देखो पता है इसको, मतलब मैं तो ऐसे ही कर रहा था। और मतलब क्या क्या स्तूप है, मतलब इसमें कुछ है भी क्या? है, पास में मॉनेस्ट्री है। हाँ। जिसमें वो लोग रहते थे। हाँ। और काफी सारे उसके अलावा गार्डन वगैरह भी मेंटेन कराया है। फिर उधर एक म्यूजियम है, उसमें पिक्चर चला रही है, फोटो चला। अच्छा, ओके। नहीं जा सकते मतलब? तो यहाँ पे उनका कुछ उंगली वगैरह क्या है? उनके बॉडी के पार्ट्स है, जैसे फिंगर है और टो वगैरह रखे है शायद भगवान बुद्ध के। हाँ, बुद्ध यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ज्यादातर स्तूपास में इन्होंने ऐसे ही फैला के रखा हुआ है। सही है। मेन तो बोध गया में था। हाँ। वहाँ पे उनकी डेथ के बाद उनको वहाँ पे शिफ्ट किया था। तो काफी सारा नॉलेज ग्रेगरी ने अपन को दे दिया है। और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ सांची स्तूप कैसा है। और इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ पता चली है, मतलब जो ये जो स्तूप है इसके चारों तरफ चार द्वार हैं। तो उन चारों द्वार में अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं, मतलब निशान बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। तो वो जो हर एक चित्र है वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं, मतलब कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले हैं, उन लोगों ने बोर्ड लगा दिया है और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो एक एक करके आपको चारों वो जो द्वार है वो दिखाता हूँ और उनका बोर्ड दिखाता हूँ। तो आप चाहें अगर पढ़ना तो आप पॉज करके उसे पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी पॉइंट्स है तो बताने से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप डेफिनेटली उसको पॉज करके पढ़ लीजिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको दरवाजे। Thank you.
कैसा लगा आपको चारों दरवाजे देख करके? और आई होप आप में से किसी ने उसको पॉज करके पढ़ा होगा, कुछ कहानियाँ भी थी उसमें। मेरा मन था बताऊँ बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। बाकी एक कहानी है जो अभी एक गाइड है वो किसी फैमिली को समझा रहे थे, तो मैं फ्री का नॉलेज पा गया वहाँ पे। तो वो स्टोरी कुछ ऐसा है कि अगर आप देख पा रहे हो, वो रहा मेरे पीछे, ये रहे, तो ये जो चार लोग हैं, इन लोगों ने मतलब अपने ऊपर वेट उठाया हुआ है। तो अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो उनके चेहरे सबके अलग अलग है, मतलब कोई सैड है, कोई शांत है, कोई स्माइल कर रहा है। तो गाइड ने तो ये रीज़न बताया कि ये जो चारों हैं ये लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ को बताते हैं कि मतलब आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, आप हंसते हंसते उसे उठा सकते हो और मुंह बंद करके भी, दुखी होकर भी, लेकिन उठाना तो है ही। तो कितना अच्छा सीख है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही अपन को फेस तो करना ही है, कैसे करना है वो अपने पे डिपेंड करता है, खुश होते हुए या सैड होके या मुंह बंद करके, जैसा भी। तो ये सिंबलाइज करता है ये चार लोगों का अपने ऊपर वेट उठाना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और केव्स की तरफ चलते हैं, उदयगिरी केव्स की तरफ। फिर मिलते हैं आपसे केव्स में।